दोस्तों पूरी दुनिया में 5G दोस्तों अभी होड़ मची हुई, पूरी दुनिया दोस्तों 5G लाना चाहती है। भारत में भी 5G ट्रायल्स जून महीने से भारत सरकार ने यहाँ पे स्पेक्ट्रम दे दिया है। 6 महीने का ट्रायल दिया कि 6 महीने के अंदर आप यहाँ पे ट्रायल रन करो और यहाँ पे जनवरी फरवरी के अंदर यहाँ पे ऑक्शन करेंगे और जल्द से जल्द 2022 के मार्च तक 5G मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। अभी तक सारी चीजें ऐसे चल रही थी, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर निकल के जो भारत में 5G को 1 साल डिले कर देगा, मतलब 2022 में आपको भारत में 5G देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जियो एयरटेल वीआई दोस्तों यहाँ पे 5G ट्रायल्स को 1 साल और बढ़ाना चाहते हैं, और मतलब ट्रायल अगर 1 साल बढ़ेगा तो लॉन्च और ऑक्शन आपको 2022 के एंड तक और 2023 में आपको 5G भारत में देखने को मिलेगा। और भारत में 5G क्या कैंसिल हो रहा है 2022 के अंदर, इन सारी चीजों की पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ भी बड़ी अपडेट होती है भारत में 5G के रिलेटेड, सबसे पहले आपका भाई टेक्नो नील आपको बताता। तो इसी बात पे एक थम्स अप जरूर देना। मैंने सबसे पहले बताया था कि यहाँ पे जियो ने अपनी खुद की 5G टेक्नोलॉजी, खुद का 5G हार्डवेयर डेवलप कर लिया है और वो नई मुंबई के आसपास अपना दोस्तों यहाँ पे 5G ट्रायल्स भी डन करा, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 GBPS की स्पीड उसने अचीव की। मैंने सबसे पहले बताया था कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल बहुत आगे निकल चुका, उसने गुड़गांव में, मुंबई में फिनिक्स मॉल के अंदर अच्छा खासा 5G ट्रायल्स किया, यहाँ तक कि दोस्तों दिल्ली के आसपास ग्रामीण विस्तार में भी उसने अपने 5G का सफल परीक्षण किया, मतलब वो गांव में भी 5G लाना चाहता है। मैंने सबसे पहले बताया था कि वीआई वोडाफोन आइडिया गांधीनगर और पूना के अंदर 5G ट्रायल्स रन कर रहा है। पूना में उसने ऑलमोस्ट 4 GBPS तक की स्पीड अचीव की, जो अब तक की सबसे फास्टेस्ट 5G स्पीड है। तो ये सारी चीजें हो रही क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ पे मई एंड तक, ऑलमोस्ट जून की शुरुआत में दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी कंपनी जियो एयरटेल वीआई, यहाँ तक कि हमारी भारतीय सरकारी कंपनी एमटीएनएल और बीएसएल को भी 5G का स्पेक्ट्रम दिया था, अलॉट किया था फ्री वाला, कि आप यहाँ पे अपने 5G ट्रायल्स रन करो, अपने पार्टनर्स को चूज करो, अपना हार्डवेयर प्रूव करो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और उसके बाद हम जब यहाँ पे 5G का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेंगे तब आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम परचेस करो और भारत में 5G लॉन्च कर दो। ये चीजें पैरेलली चल रही थी और सरकार ने दोस्तों प्लानिंग भी कर ली थी कि 2022 की शुरुआत में, जनवरी या फरवरी की शुरुआत में, ऑलमोस्ट जनवरी के एंड तक हम भारत के अंदर 5G का ऑक्शन कर देंगे और उसके बाद बाकी सारी कंपनी जियो एयरटेल वीआई जो है यहाँ पे अपना 5G लॉन्च कर सकेगी ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून के आसपास, मई जून के आसपास। लेकिन अब दोस्तों इस चीज में बड़ा डिले नजर आ रही है, सरकार की तरफ से नहीं, ये डिले आएगा यहाँ पे कंपनियों की तरफ से। दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया सेक 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ 5G ट्रायल्स, जियो एयरटेल वीआई दोस्तों 1 साल का एक्सटेंशन मांग रही है 5G ट्रायल्स का। यस, 1 साल का ये क्यों मांग रही है वो भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, और इसका क्या साइड इफेक्ट्स पड़ेंगे भारत के 5G के भविष्य के लिए। टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव सॉट 1 ईयर एक्सटेंशन कंडक्ट 5G ट्रायल्स, 1 साल का दोस्तों 5G ट्रायल्स कंडक्ट करने का एक्सटेंशन यहाँ पे मांगा है। अगर ऐसा होता है तो 5G का जो ऑक्शन सरकार करने वाली थी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन 4G 5G के स्पेक्ट्रम का, वो जनवरी के आसपास होने वाला था, वो फिर चला जाएगा सेकेंड हाफ तक चला जाएगा 2022 के, यानी ऑलमोस्ट मई जून जुलाई तक चला जाएगा। और आप समझ सकते हैं जितना लेट यहाँ पे ऑक्शन होगा उतना लेट भारत में 5G लॉन्च होगा, मतलब 2022 के एंड या 2023 के शुरुआत में आपको 5G देखने को मिलेगा। ऑल 3 टेलकोस वॉन्ट एक्सटेंड देयर ट्रायल 5G ट्रायल्स बाय अनदर 1 ईयर, तीनों एक कंपनी जियो एयरटेल वीआई तीनों दोस्तों चाहते हैं कि 1 साल का एक्सटेंशन और मिल जाए। एक्सटेंशन किस बात पर मिलेगा बता दूं, 5G ट्रायल का स्पेक्ट्रम भारत सरकार ने इनको दिया 6 महीने के लिए, ये 700 MHz 3.5 GHz प्लस 26 GHz के बैंड पे दोस्तों इनको भारत सरकार ने दिया है। रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया ये सारे अपने पार्टनर्स के साथ जो है 5G डेवलप कर ले, रेलिवेंट केसेस बना ले कि हम किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से हमारी 5G जो है यहाँ पे काम करने वाली है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ रेडी कर ले। तो 6 महीने का दोस्तों यहाँ पे दिया सरकार ने, और कब दिया था दोस्तों सरकार ने ये दोस्तों दिया था एंड ऑफ बात चल रही है यहाँ पे मई के अंदर, मई मतलब ऑलमोस्ट जून की शुरुआत गिन सकते हैं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर तक के लिए दोस्तों भारत सरकार ने इनको दिया 5G का स्पेक्ट्रम कि आप बिंदास 5G ट्रायल्स रन करो और सब कुछ हो जाएगा इसके अंदर, और उसके बाद हम जनवरी में यहाँ पे 5G का नीलामी करेंगे, फिर आप स्पेक्ट्रम परचेस करो और यहाँ पे लॉन्च कर दो। अभी तक फिलहाल ये चल रहा था, लेकिन ये सारी कंपनियां दोस्तों अभी यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे और मांग रही हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये 1 साल बढ़ जाएगा, नवंबर से 1 साल और बढ़ जाएगा, मतलब आने वाला साल 2022 के नवंबर तक दोस्तों चीज़ें बढ़ जाएगी 1 साल अगर होता है तो। उसके बाद दोस्तों भारत में 5G जो होगा आपको अगले साल शायद 2022 में देखने को ना मिले, क्योंकि नवंबर तक तो इनका ट्रायल ही चलता रहेगा, फिर यहाँ पे
दिसंबर के अंदर या नवंबर के एंड में अंदर अगर सरकार यहाँ पे अगर 5G ऑक्शन करती है, फिर स्पेक्ट्रम बिकेगा, फिर ये होगा, उसके 3-4 महीने बाद ही 5G लॉन्च होगा, मतलब 2023 की शुरुआत में। तो फिलहाल दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे तीनों ही कंपनी जियो, एयरटेल, वीआई 5G ट्रायल्स के लिए 1 साल का टाइम मांग रही है। अभी क्यों मांग रही है, इसके पीछे कोई तथ्य नजर नहीं आ रहे। तीनों ही कंपनी की 5G ट्रायल्स सही चल रही, तीनों ही कंपनी सक्सेसफुली अपने 5G ट्रायल्स को डन कर रही है, तीनों ही कंपनी का सफिशिएंट स्पेक्ट्रम यहाँ पे भारत सरकार ने दिया हुआ है। अभी 1 साल का ट्रायल मांगने का कारण क्या बिल्कुल पता नहीं चलता, हो सकता है कुछ इनको और यहाँ पे टेस्ट करने, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो जियो और एयरटेल जैसी कंपनी को तो सबसे पहले यहाँ पे मिल गया था और उसने 5G ट्रायल्स यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की तो उसने 1 महीने बाद, यस, जियो और एयरटेल के 1 महीने बाद अपने 5G ट्रायल्स यहाँ पे डन किए थे। लेकिन दोस्तों 6 महीना मोर देन एंड ऑफ होता है, लेकिन अगर कंपनी को 1 साल अगर और चाहिए यहाँ पे तो शायद तक भारत में 2022 में आपको 5G होता लॉन्च होता हुआ नजर ना है, ट्रायल तो जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये थी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज टेलीकॉम इंडस्ट्री की कि भारत में 5G 2022 में शायद ना देखने को मिले आपको, ट्रायल तो जरूर देखने को मिलेगा लेकिन लाइव 5G आपके हाथ में आते आते हो सकता है 2023 यहां पे लग जाए। फ्रेंड्स मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकारी ये कंपनियां क्या कर रही है और सरकार को क्या इतना टाइम देना चाहिए या सरकार को बोलना चाहिए कि नहीं आपको 5G तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ही लाना होगा। नीचे कमेंट करके जो बताना फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो थम्स अप जो दे देना, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ उन्हें डेफिनेट चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ये लाल कलर का बटन है इसको जो दबा देना, इसको दबाने से आप हमारे VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिएगा घंटे का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज घंटे के बटन को जो दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो लाइक शेयर तो जरूर बनता है इस वीडियो पर, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए क्योंकि उसको फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसा वाला, तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।